लाल चंदन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पुष्पा फिल्म के द्वारा जिस प्रकार से लाल चंदन की तस्करी को दिखाया गया था, कुछ उसी प्रकार, जी हाँ, यहाँ पर नासिक में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC पुलिस ने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है लाल चंदन को सीज किया है। 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कुल वैल्यू है। बता दें, पुलिस को यहाँ पर एक जानकारी मिली थी जिसमें बताया गया कि कहीं पर लाल तस्करी की जा रही है चंदन की, और उसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से प्लानिंग करके, जी हाँ, गोदाउन पर छापा मारा। बता दें, ये गोदाउन आलू का गोदाउन था जहाँ पर लाल चंदन की तस्करी की जा रही थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर CB हंदल ने कहा कि पुलिस को शनिवार के शाम को जो है लाल चंदन की तस्करी का पता चला, और उन्होंने जो है तुरंत ही इस पर कार्रवाई की और 3 करोड़ 25 लाख रुपए के लाल चंदन को बरामद किया गया। बता दें, कुल अगर किलोग्राम की बात करें तो यहाँ पर 60,660 किलो जो है लाल चंदन गोदाउन से बरामद किया गया, जिसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ 25 लाख के ऊपर बताई जा रही है। इस मामले में अभी तक एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है 3 लोगों के खिलाफ। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मार्ट न्यूज़ इंडिया।